आखिर क्या है ये आईपीएल का माजरा, होगा या नहीं होगा? मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनके कुछ जवाब हैं, पर कुछ जवाबों पर हमें यकीन भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के एक नए वीडियो में। और जो आज हमारा जो आज का वीडियो है वो सिर्फ इसी सवाल के जवाब के ऊपर आधारित है कि आईपीएल 2020 क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, और होगा तो कब होगा। तो दोस्तों मुझे काफी पिछले कुछ दिन हो गए, काफी टाइम हो गया, मुझे प्रॉपर ईमेल मिल रहे हैं, लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज मिल रहे हैं कि आईपीएल होगा या नहीं होगा, प्लीज बताइए। तो उन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईपीएल होगा या नहीं होगा और होगा तो कब होगा। तो खैर, उस अहम जवाब को जानने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके बेल आइकन दबा दो। हालांकि अगर वो सब्सक्राइब दिखा रहा हो तो उसको दोबारा मत दबाना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही वो घंटी वाला बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे हमारे वीडियोस आते रहें तो आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। और हमारी वेबसाइट है cricketkeeda.in, उसको रेगुलर विजिट करते रहो क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी क्रिकेट की अहम जानकारियां डेली बेसिस पे। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको तो बस आपने फॉलो करना है, लाइक करना है जाके, बस वहां पे तो कुछ ना कुछ क्रिकेट की आपको फैक्ट्स और सब बताया करते हैं। तो खैर बढ़ते हैं आपके इस अहम सवाल के जवाब की तरफ। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ दिन पहले निर्देश आए थे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब खुल सकते हैं और खिलाड़ी अब मैदान में प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। बीसीसीआई ने भी अलाउ कर दिया था, परमिशन लेने के बाद अपने एरियाज में जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे क्रिकेट फैंस ना बहुत उत्सुक हो गए, उनको लगा कि क्रिकेट बहुत जल्द वापसी करने वाला है। पर खैर, क्रिकेट की वापसी भारत में इतनी आसान भी नहीं है फिलहाल, और लोग काफी मोटिवेटेड हैं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड एक टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान भी इंग्लैंड जा रहा है टेस्ट सीरीज खेलने, तो लोगों को लगता है क्रिकेट वापसी हो सकता है और इसी साथ साथ आईपीएल भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बारे में कि आईपीएल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही थी, तो जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है उनके हम शब्दों पर जाए तो उनके हिसाब से आईपीएल की पूरी तैयारियां चल रही है, क्योंकि 3 दिन पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने यह बात कही थी कि बीसीसीआई इस समय आईपीएल की पूरी तैयारी कर रही है। तो इसके माने आईपीएल होगा या नहीं होगा, इसका जवाब उनको मिल चुका और आईपीएल हो रहा है। आईपीएल 2020 इज हैपनिंग नाउ, ये तो साफ दिख सकता है, क्योंकि COVID-19 की बात करें तो रिकवरी रेट भी अब काफी अच्छा हो गया है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक यकीन सा हो रहा है कि चीजें अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, हम नॉर्मल लाइफ को और जो नॉर्मल इवेंट्स हैं वो दोबारा से हो सकते हैं। तो आईपीएल का यहाँ पे जो सवाल था बहुत बड़ा, होगा कि नहीं होगा, तो अभी 2-3 महीने पहले लग रहा था कि नहीं होगा, बट फिलहाल अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर कोई टर्नओवर नहीं हुआ तो फिलहाल आईपीएल होगा। अब ये कब होगा ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है। तो हम नवंबर की बात कर रहे थे कि आईपीएल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक विंडो नजर आ रही थी कि T20 वर्ल्ड कप कैंसिल होगा तो वहां पे हो सकता है। कुछ एक हफ्ते पहले आईसीसी और सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई थी और T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर थोड़ा डिस्कशन हुए थे, बट फिलहाल अक्टूबर नवंबर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फॉर नाउ अभी स्केड्यूल्ड है, मतलब अभी उसको जो है पोस्टपोन नहीं किया गया। और न्यूजीलैंड इज कोविड फ्री नाउ। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है कोविड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 70% चांसेस हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस साल हो सकता है, क्योंकि इसी अगले साल भी वर्ल्ड कप है जो कि भारत में खेले जाना है T20 वाला, तो इतना कोई टाइम नहीं है आईसीसी के पास कि इसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दे। और ऑस्ट्रेलिया में चूंकि हालात भी अब बेहतर है काफी, तो वहां पे हो सकता है। तो दोबारा एक मन में सवाल आता है कि आईपीएल अक्टूबर नवंबर में तो हो नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी भी कंटेंशन में है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन उन्होंने कहा कि सेप्टेम्बर अक्टूबर का भी विंडो खाली है, क्योंकि इंग्लैंड को उस विंडो में भारत आना था खेलने, 3 T20 मैच खेलने और एशिया कप होना था। एशिया कप को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है और मुझे लगता है कि इस साल का एशिया कप शायद पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी क्रिकेटिंग बॉडीज हैं वो इस समय ज्यादा चाह रही हैं कि बायलैटरल सीरीज हो या आईपीएल हो, उनकी फ्रेंचाइजी लीग हो, क्योंकि उसमें उनका रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा। इनफैक्ट आईसीसी ने रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपना एक रूल चेंज कर दिया, अब आप टेस्ट जर्सी पे आगे फ्रंट पे आप लोगो देख सकते हो, प्रमोशनल लोगो। तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने भी बोर्ड्स को अलाउ कर दिया है कि भाई
आप लोग और पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इस समय COVID-19 की वजह से सबको पैसे की कमी है, तो एनी हाउ सबको प्रमोशन चाहिए होगा। तो फिलहाल जिस तरह हम देख सकते हैं, अब मुझे तो IPL सितंबर अक्टूबर में होता नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि IPL थोड़ा सा शेल्ड हो जाएगा, माइट बी मैचेस कम कम दिन में हो और बहुत कम जगह पे होने वाला है। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में खेले जाते हैं, और हर साल कोई ना कोई दो तीन नई वेन्यू निकल के आती हैं जहाँ पे मैचेस होते हैं, बट माइट भी कोई एक सेफर प्लेस चूज की जाएगी BCCI द्वारा, जहाँ पे बहुत कम केसेस हैं, केसेस बहुत कंट्रोल्ड हैं, तो वहाँ पे उसको कराया जा सकता है। और शायद बायो ग्राउंड्स पे फोकस किया जाए, उन मैदानों को फोकस किया जाए जो होटल्स के पास हैं, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए काफी कुछ सोचना है। बट मुझे लग रहा है कि IPL हो रहा है और IPL इसी वे में ही होगा, और कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा अगले 2-3 महीने में आपके सामने जब IPL का शेड्यूल आएगा तो आप ये वीडियो याद करेंगे और कहेंगे कि 2-3 महीने पहले क्रिकेट खिलाड़ी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, और कमेंट्स के जरिए हमको अपना वैल्युएबल फीडबैक जरूर दो। साथ ही मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, cricketkeeda.in जो वेबसाइट है उस पर क्रिकेट की रेगुलर अपडेट्स आया करती हैं। तो जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का क्रिकेट का बहुत कम छपता है, बट हमारी वेबसाइट पे ना कम नहीं ज्यादा ही छपता, क्योंकि हम क्रिकेट को प्रमोट भी करते हैं और क्रिकेट को जल्द से चाहते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।